उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मोरना में शुक्रताल नाम का एक तीर्थ स्थल है। यहाँ गंगा नदी के साथ साथ सुखदेव मुनि का एक मशहूर मंदिर और लगभग आज से 5000 साल पुराना एक वट वृक्ष है। वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और ये वट वृक्ष आज भी जीवित और हरा भरा है। इस पेड़ के नीचे ही श्री सुखदेव मंदिर है। मंदिर के पूरे परिसर में इस पेड़ की शाखाएं फैली हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कब और कैसे कलयुग का आगमन हुआ था। साथ ही शुक्रताल और वट वृक्ष से जुड़ी कथा को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं श्री सुखदेव मंदिर की, जिनके अंदर सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित की प्रतिमा स्थापित है। सुखदेव मुनि महाभारत काल के एक प्रख्यात मुनि थे, जबकि राजा परीक्षित अर्जुन के पोते थे, यानी अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने ही अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से राजा परीक्षित की रक्षा की थी, जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे। तो दोस्तों, 5000 साल पुराने इस वट वृक्ष का राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि से क्या संबंध है, इसके लिए हमें राजा के बारे में जानना होगा। दरअसल महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडवों की जीत हुई और राजा परीक्षित को हस्तिनापुर के शासन की जिम्मेदारी मिली। प्रजा उनसे बेहद खुश थी, लेकिन उस समय द्वापर युग समाप्त होने के बाद कलयुग का आगमन हो चुका था, जिसके कारण राजा को मृत्यु का श्राप मिला था। श्री भागवत में एक कथा का वर्णन आता है, जिसके अनुसार राजा परीक्षित को पता चला कि कलयुग उनके राज्य में घुस आया है। एक दिन राजा ने एक गाय और एक बैल को अनाथ अवस्था में देखा, जबकि एक शूद्र को भी देखा जो किसी राजा से कम नहीं दिख रहा था। राजा ने तीनों से उनका परिचय पूछा तो पता चला कि गाय धरती थी, बैल धर्म था और वो शूद्र कली राज था। तो उस शूद्र ने, यानी कली राज ने, धर्म रूपी उस बैल के सत्य, तप और दया रूपी तीन पैर तोड़ दिए थे। बैल केवल दान रूपी एक पैर के सहारे चल रहा था, कली राज उसे भी तोड़ना चाहता था। ये जानकर राजा को बड़ा गुस्सा आया और वो कली राज को मारने पर आ गए, लेकिन उसके गिड़गिड़ाने पर दया करी। साथ ही परीक्षित महाराज ने उन्हें रहने के लिए 5 स्थान दिए। वो 5 स्थान इस प्रकार हैं: जुआ, नशा, हिंसा, स्त्री और सोना, यानी गोल्ड। राजा ने साथ ही उसे मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर जैसे 5 वस्तुएं भी दी। इस पर कलीराज ने भी वचन दिया कि वो इन स्थानों के सिवाय किसी और स्थान में नहीं रहेगा। तो इसके बाद एक बार राजा अपना मुकुट पहनकर जंगल में शिकार के लिए गए। अब मुकुट में सोना लगा था, तो कलीराज उस सोने में प्रवेश कर गया। जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते राजा इतना थक गए थे कि उन्हें प्यास लगने लगी और वो जलाशय की खोज में समीक ऋषि के आश्रम पहुंचे, पर वो तो आंखें बंद करके ध्यान में लीन थे। राजा ने पानी मांगा तो सामने से कोई जवाब नहीं मिला। इस पर राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया, वो अपमानित महसूस करने लगे। फिर उन्होंने पास ही मरा हुआ एक सांप देखा, जिसे अपनी कमान की नोक से उठाकर मुनि के गले में डाल दिया। इस प्रकार कलयुग के प्रभाव से वो एक अपराध कर चुके थे। वैसे श्रमिक ऋषि ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब उनके पुत्र श्रृंगी को इसका पता चला, जो किसी काम से बाहर गए थे और वापस आ ही रहे थे, खबर मिलते ही श्रृंगी ने तुरंत हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि जिस भी व्यक्ति ने मेरे पिता का ऐसा अपमान किया है, अगले 7 दिनों में उसकी मृत्यु तक्षक नामक एक सांप के डसने से हो जाएगी। हालांकि बेटे श्रृंगी की इस बात से पिता नाराज हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा अच्छे हैं और उनके राज्य में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है। उन्होंने बेटे श्रृंगी को समझाया कि
उन्हें अपनी साधना के बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था। उनके जाने के बाद न जाने क्या हाल होगा। फिर श्रमिक ऋषि ने अपने एक खास शिष्य से ये जानकारी राजा तक पहुंचा दी। राजमहल आकर जब राजा ने उस मुकुट को उतारा तो उनके सिर से कलियुग का प्रभाव भी उतरा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब तक उन्हें ऋषि द्वारा भेजी जानकारी भी मिल गई और राजा की सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने ऋषि या उनके बेटे से जाकर वाद विवाद करने की बजाय श्राप रूप में अपनी मृत्यु को स्वीकार किया और अपनी गलती के लिए इसे दंड रूप में स्वीकार किया। अपने बेटे जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाकर वो ज्ञान की खोज में फिर शुक्रताल आ गए। राजा का सवाल था कि एक व्यक्ति जिसकी 7 दिन बाद मृत्यु होनी है, ऐसे में उसके लिए क्या करना सबसे उचित होगा। इस पर सुखदेव मुनि ने उन्हें उसी ईश्वर का ध्यान करने को कहा जिन्होंने राजा की रक्षा तब की थी जब वो अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे। इस पर राजा ने उनसे भगवान विष्णु के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तो दोस्तों, इस तरह सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित के साथ वहां उपस्थित अन्य 88,000 ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। बताया गया कि 6 दिन तक भागवत कथा सुनाने के बाद 7वें दिन मुनि ने राजा को अष्टांग योग की एक प्रक्रिया द्वारा सिर के ऊपरी भाग से प्राण निकालने की विधि सिखाई। राजा ने योग पद्धति से प्राण निकाल दिए और मोक्ष को प्राप्त हुए, जिसके बाद तक्षक सांप ने आकर उनको डस लिया। इसके बाद से ही इस जगह को शुक्रताल कहा जाने लगा और यहाँ श्री सुखदेव मंदिर बना, जिसमें सुखदेव मुनि के साथ राजा परीक्षित की प्रतिमा है। तो इस प्रकार पहली बार मुनि द्वारा श्रीमद् भागवत कथा इस स्थान पर सुनाई गई थी। ये वट वृक्ष खुद इस घटना का साक्षी है। दोस्तों, इस वट वृक्ष से जुड़ी एक कमाल की बात यह भी है कि पतझड़ के मौसम में भी इस वृक्ष का पत्ता नहीं झड़ता, ये हमेशा हरा भरा रहता है। दूसरी खास बात है कि इस वृक्ष में कभी जटाएं नहीं आती। इस पेड़ से कोई 200 मीटर दूर एक कुआं है जिसे पांडवों के समय का कुआं माना जाता है। यही नहीं, इस मंदिर के पास भगवान गणेश की भी 35 फीट ऊंची प्रतिमा है और पास ही हनुमंत धाम में स्थापित हनुमान जी की 72 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो दोस्तों, यह थी कलयुग के आगमन की कथा, जिसमें हमने शुक्रताल, सुखदेव मुनि, राजा परीक्षित और 5000 साल पुराने वट वृक्ष के बारे में भी जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।